नमस्कार, मैं हूं परितोष सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात वार्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज CAA को लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिला। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाल रहे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा नेता मुकुल राय को हिरासत में लिया गया है। इस रैली की शुरुआत कोलकाता के टालीगंज के फेरी घाट से होने वाली थी। जैसे ही भाजपा नेताओं ने रैली की शुरुआत की, तभी कोलकाता पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। बता दें कि विजयवर्गीय CAA के समर्थन में अभिनंदन रैली निकाल रहे थे। इसके लिए उन्होंने पुलिस से इजाजत भी नहीं ली थी। यही कारण है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। नमस्कार, हम ममता जी की लॉकअप में हैं। अभी CAA के समर्थन में निकलने वाली रैली के लिए हमें गिरफ्तार कर लिया गया। हम सब लोग मुकुल राय के साथ यहाँ पर लॉकअप में हैं और ये इलाका बड़ा ऐतिहासिक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जतिन दास जी भी गिरफ्तार हुए हैं। इस ऐतिहासिक इलाके में हम सब लोग यहाँ पर बंद हैं। पुलिस के मुताबिक भाजपा नेता पुलिस की अनुमति के बिना कथित रूप से मार्च आयोजित करना चाहते थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस वैन में हिरासत में लिया गया और उन्हें रैली स्थल से दूर ले जाया गया। इसी के साथ देश विदेश की खबरों के लिए बने रहे प्रभात वार्ता के साथ।